ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, मैं आपका दोस्त पंडित नरेश नाथ जी, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ जी वीडियोस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा ये चैनल बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम सनातन धर्म की ध्वजा को हर घर तक जाना चाहते हैं और ऋषियों द्वारा की गई साधनाएँ तथा साधकों की अनुभूत सच्ची साधनाएं जो आज लुप्त हो रही हैं, हर व्यक्ति तक पहुंच सके। मित्रों, इसी उद्देश्य के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए समुन्द्र देव की साधना। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, समुन्द्र देवता की साधना जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी और ना ही आपको कोई प्रदान करेगा। इसके अलावा मित्रों, सर्वप्रथम बात तो यह है कि यह साधना किसी के पास आपको मिलेगी ही नहीं, और यदि कोई गुरु भक्त होगा तो वह ये साधना का चमत्कार देखकर आपको ये साधना प्रदान ही नहीं करेगा। मित्रों, ये साधनाएं गुरु कृपा और इष्ट देवता से की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। हमें अपने पूर्वजों व भगवती काली जी की कृपा से जो साधनाएं प्राप्त होती हैं, वह हम ज्यों की त्यों गुरु आशीर्वाद से आपके लिए लेकर आते हैं। मित्रों, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 77% जल है और हमारी पृथ्वी जल के ऊपर ही टिकी हुई है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी 77% जल से बना हुआ है। मित्रों, जल से मानव ही नहीं, देव दानव पितर पशु पक्षी चर अचर सभी संतुष्ट होते हैं। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 84 लाख योनियों में आदि योनि यानी 42 लाख जीव योनि समुद्र में ही रहती है। मित्रों, सागर जितना अथाह दिखाई देता है उतने ही असंख्य रहस्य अपने आप में समाये हुए हैं। इसलिए इसे रत्नाकर भी कहा जाता है और इन्हें लक्ष्मी जी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, सागर मथन के समय समुद्र में से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से लक्ष्मी जी और पंचजन्य शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया था। मित्रों, अधिक क्या कहें कि सागर देव के साधक के पास सब कुछ संभव होता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मित्रों, वह अपने मन में सागर की कितना अनेक सिद्धियां समाये हुए होता है। बाहर से असाधारण सा दिखने वाला वह मनुष्य अंदर से नर के समान नारायण होता है। वह सदा सागर के समान अपनी मौज में रहता है। मित्रों, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक को सिद्ध करने से सभी सिद्ध हो जाते हैं, तो मित्रों आज हम आपको वही सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, समुन्द्र देव की सिद्धि करने के उपरांत आपको सभी देवताओं की सिद्धि हो जाती है, देवताओं के साथ नाथों की पीरों की। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी सिद्धि आप समुन्द्र देव की कृपा के उपरांत ना कर सकें। आपके पास स्वयं के स्वयं सिद्धियां चली आती हैं। मित्रों, ये एक ऐसी चमत्कारी साधना है। ये साधना आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को करनी है। इस साधना के समय आपको समुन्द्र के जल से चमन करना है, जो आप अपने सहयोगियों से या किसी भी द्वारा विधि द्वारा आप प्राप्त करें, क्योंकि समुन्द्र के जल से चमन करना अति आवश्यक है। यदि आपके आसपास में सागर तट या समुन्द्र का किनारा है तो अति उत्तम है। आप इस साधना को नदी के किनारे और पर भी संपन्न कर सकते हैं, और यदि
आप चाहें तो आप इसे अपने घर में भी संपन्न कर सकते हैं, लेकिन साधना के दौरान आपके साधना कक्ष में आपके अतिरिक्त कोई अन्य प्रवेश हरगिज ना करें। मित्रों, ये साधना आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी है या फिर रात्रि काल में, आज रात्रि में आपको ये साधना संपन्न करनी है। साधना के समय में वस्त्र और आसन सफेद रहेगा, माला स्वच्छ पाटी की रहेगी, दिशा पश्चिम। आपको अपने सामने लोटे में समुद्र का जल रखना है, ये अनिवार्य है, और एक नारियल एक सफेद वस्त्र में लपेट कर उसमें एक सिक्का डालकर रख दें। मित्रों, साधनाबद्ध सभी नियमों का पालन आपको करना अनिवार्य रहेगा। भूमि शयन और साधना में जो भी आपको अनुभव हो उसे कभी किसी से शेयर ना करें। आप इस साधना का एक माला रोज जाप कर 41 दिन में भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। इससे आपको बहुत से दिव्य अनुभव होंगे, बहुत सी दिव्य अनुभूतियां होंगी, दिव्य दृश्य दिखाई देंगे, जिसका आपने गुरु के अतिरिक्त किसी से जिक्र नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, इस साधना का आप 51,000 या 1,25,000 का संकल्प कर भी इसे एक हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। 51,000 या 1,25,000 जाप का यदि आप संकल्प करते हैं तो आपको एक हफ्ते में ही इसे पूरा करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्यथा एक माला रोज के हिसाब से आप 41 दिन की साधना कर इसे संपन्न कर सकते हैं। मित्रों, इस साधना से आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाएगा। भूत प्रेत जादू टोना मंत्र यंत्र टोना टोटका कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस साधना से सिद्ध ना किया जा सके। इस साधना से आपको सर्वस्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। मित्रों, साधना पूर्ण होने के बाद आपके पास जो नारियल पड़ा है, इस नारियल को आपने बहते हुए जल में मंत्र 108 बार पढ़कर अपने मस्तक से लगाकर दक्षिणा के साथ बहते हुए जल में बहा देना है, और साथ में एक मीठा पान दो लड्डू भी भेंट के रूप में अर्पित कर दें। बस इतनी क्रिया करने के उपरांत आप घर वापस आ जाएं और फिर देखें कि कैसे रोज खुशियां आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देती हैं और धन कहां कहां से आता है आपके घर में। मित्रों, अब बात करते हैं साधना के मंत्र की, जिस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र के विषय में बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि मित्रों, ऐसी ही सच्ची व हमारे ऋषियों तथा साधकों की की गई अनुभूत साधनाएं जो आज लुप्त हो रही हैं, इन्हें यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और साधनाओं के साथ आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, तंत्र एवं जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी रूप से सफलता व सुख प्रदान करने वाले सरल टोटके एवं आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सब आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी आपको हाथों हाथ प्राप्त हो और आप उसका लाभ भी उठा सकें। मित्रों, इसके साथ आप हमारे वीडियो को हमारे फेसबुक पेज शिव वैदिक ज्योतिष तंत्र मंत्र विज्ञान को फॉलो कर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर हमारे वीडियो वहां देख सकते हैं। मित्रों, हमारे अन्य उपयोगी वीडियो आप यूट्यूब पर पंडित नरेश नाथ जी के नाम से सर्च कर देख सकते हैं। मित्रों,
इस साधना के दौरान आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह इस प्रकार से है, ओम नमः भगवते समुद्रे देहि रतानानि देहि रिद्धि सिद्धि देहि सर्व सुखम मम सकल कष्ट हरु जलेश नमस्तु भया स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम नमः भगवते समुद्राय देहि रतानि देहि रिद्धि सिद्धि देहि सर्व सुखम मम सकल कष्ट हरु जलेश नमस्तु भया स्वाहा। इतना सा मंत्र है, आप एक माला 41 दिन कर भी इसे सिद्ध कर सकते हैं और 7 दिन में 51,000 या 1,25,000 का संकल्प कर भी इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको एक माला नित्य जपनी है, बस फिर देखें चमत्कार कैसे होते हैं, आपको इतनी शक्ति प्राप्त होगी, इतना सामर्थ्य प्राप्त होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि इसे शेयर करना चाहिए, तो वैसे ही हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सबका मंगल करें।